सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है ट्विंकल पटेल और मेरी चैनल टीम्स क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं वलसाड़ शहर के टिकरिया हनुमान जी के टेम्पल। बेसिकली प्लानिंग हमारा पिछले सैटरडे का ही था, लेकिन कुछ काम आ जाने के बाद आज जा रहे हैं। आज सैटरडे है और मैं और मेरा एक फ्रेंड है अर्चित पटेल, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है और मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो आज मैकेनिकल इंजीनियर मिलकर मचाएंगे धमाल, वो आपको हम बताएंगे। सो हेलो गाइस, श्री वेकरिया हनुमान जी का नाम लेकर हम अपनी सवारी चालू करते हैं। वेकरिया हनुमान जी का मंदिर समुद्र के किनारे आया है और अब हम गुजर रहे वलसाड़ शहर की सबसे बड़ी नदी औरंगा नदी। औरंगा नदी भी वेकरिया हनुमान जी के मंदिर के सामने ही समुद्र में मिल जाती है, वो भी हम आपको बताएंगे। वेकरिया हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए वलसाड़ सिटी से अप्रोक्स डिस्टेंस 6 किलोमीटर है और गुंडला ओवर ब्रिज से अप्रोक्स डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। श्री वेकरिया हनुमान जी के मंदिर आने के लिए आपको वलसाड़ सिटी से लीलापुर, बडेली एंड हिंगराज गांव से पसार होकर आप हनुमान जी के मंदिर पहुंच सकते हो। दोस्तों, आप ये नज़ारा देख रहे हो, पूरा कोस्टल एरिया है। आप देख रहे हो लाइट हाउस दीवा डांडी का है। ये लाइट हाउस मंदिर के पीछे के साइड से बहुत अच्छी तरह से दिखता है, वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, थोड़ी देर में हम हनुमान दादा के कैंपस में पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड, फाइनली हम पहुंच गए वेकरिया हनुमान जी के टेम्पल और हम आपको बताएंगे। हनुमान जी का वो एक पत्थर है, वो पानी में तैरता है, लेकिन पानी में तैरता है, पानी में डूबता नहीं है, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ कार, बाइक, रिक्शा पार्किंग के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी दी गई है और मंदिर का पूरा कैंपस बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। यहाँ हर शनिवार को भंडारा होता है और आप भी यहाँ आकर भंडारा में भाग ले सकते हैं। कहा जाता है कि वेकरिया हनुमान दादा के मंदिर में दिल से की गई प्रार्थना हनुमान दादा जरूर सुनते हैं, तो आप भी आइए एक बार हनुमान दादा के दरबार में। यहाँ से वेकरिया हनुमान दादा का इतिहास लिखा हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हो ये पत्थर पानी में तैर रहा है। पुरानी मान्यता के हिसाब से ये पत्थर रामायण काल का है और यहीं रामेश्वर से 2014 में इधर लाया हुआ है। दोस्तों, आप हनुमान दादा के दर्शन करके बाहर आओगे तो मंदिर के शहर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सुविचार लिखे हुए हैं। आप पढ़ के अपने जीवन में उपयोग में ले सकते हो ये सुविचार। यहाँ आप फैमिली के साथ आते हो तो बच्चों के लिए ऐसी वेकरिया हनुमान बाल क्रीडांगण भी बनाया है। यहाँ बच्चों के लिए अलग अलग राइड है और बच्चों को बहुत मजा आएगा। मंदिर के पीछे के साइड समुद्र को देखने के लिए समुद्र व्यू पॉइंट बनाया गया है। यहाँ से समुद्र बहुत शानदार दिखता है। यहाँ से आप सनशाइन और सनसेट भी देख सकते हैं। मंदिर का पूरा कैंपस इधर से दिखता है।
दोस्तों अब हम देखने जाएंगे समुद्र का किनारा, लेकिन आप जाएंगे तो संभाल के जाएगा, इधर पत्थर बहुत बड़े हैं और उसमें गैप बहुत ज्यादा है। ये रहा दीवा डांडी का लाइट हाउस। और दोस्तों ये किनारा देख रहे हो ना, इधर से ही औरंगा नदी और वाकी नदी समुद्र में मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने विक्टोरिया हनुमान जी के दर्शन कर लिए और अब हम जाते जा रहे हैं। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बाय बाय।